आज मैं मीडिया के मंच पर हूं। सवाल आपको बहुत प्रिय होते हैं और इसलिए मैं भी कुछ सवालों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, कुछ पल आपके साथ का संग है तो मुझे भी आदत लगती है। जैसे आपके सवालों में बहुत कुछ छिपा होता है, वैसे ही मेरे सवालों में भी आपको सर्जिंग इंडिया के बहुत से उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत इतनी जल्दी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में शामिल होने की तरफ अपना कदम बढ़ा देगा? क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142 से 77 पर आ जाएगा, भारत टॉप 50 में आने की ओर तेज गति से कदम रख रहा है? क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में ऐसी ट्रेन में चलने वाले लोगों से ज्यादा, एयर कंडीशन ट्रेन में चलने वाले से लोग ज्यादा लोग हवाई सफर करने लगेंगे, हवाई जहाज में बैठे होंगे? क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि रिक्शा चलाने वाला भी, सब्जी वाला भी और चाय वाला भी भीम ऐप का इस्तेमाल करने लगेगा, अपनी जेब में रुपए डेबिट कार्ड रखकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएगा? क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत इसका एविएशन सेक्टर इतना तेज आगे बढ़ेगा कि कंपनियों को 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर देना पड़ेगा? और आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे देश में आजादी से अब तक कुल 450 हवाई जहाज ऑपरेशनल है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सरकारी हो, कुछ भी हो। 1 साल में 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर, ये बताता है। क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में नेशनल वाटरवेज एक सच्चाई बन जाएगा? कोलकाता से एक जहाज गंगा नदी पर चलेगा और बनारस तक सामान ले आएगा। क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम भारत में ही बनी बिना इंजन वाली एसी ट्रेन का परीक्षण कर रहे होंगे, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ेगी? क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत एक बार में 100 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बनाएगा? और इतना ही नहीं, गगनयान के लक्ष्य पर भी आज वो आगे बढ़ रहा है। क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि स्टार्टअप की दुनिया से लेकर स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी? 4 साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन हेलीकॉप्टर घोटाले का इतना बड़ा राजदार क्रिश्चियन मिशेल भारत में होगा, सारी कड़ियां जोड़ रहा होगा। 4 साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि 1984 के सिख नवसंहार के दोषी कांग्रेस नेताओं को सजा मिलने लगेगी, लोगों को इंसाफ मिलने लगेगा। आखिर ये परिवर्तन क्यों आया? देश वही है, लोग वही हैं, ब्यूरोक्रेसी वही है, हमारे साधन वही हैं, संसाधन भी वही हैं। फिर इस परिवर्तन की वजह क्या है?